अधिकतर लोग की मांग होती है, इसलिए इतना बाद अलग अलग करके बोला, अलग अलग करके
मतवाद के भी अनुसरण करने वाले लोग भी अलग होते हैं और अनुसरण करने वाले लोग को बिल्कुल फल नहीं मिला ये बात भी नहीं है। कल मैं बताया था इसको, फल देने के लिए ईंट काट पत्थर फल देने वाला नहीं होता। क्या होता है जो श्रद्धा हमारी अंदर जो भावना है उस श्रद्धा चेतन अधिष्ठित श्रद्धा वही कुछ फल देने वाला होता है। इसीलिए किसी को फल प्राप्त होता है किसी को नहीं होता, होता है आपने बोला तो नहीं हुआ। आप बोलने वाले की गलती नहीं है, हमारी श्रद्धा उसके ऊपर कितनी थी उसके ऊपर निर्भर करती है। अब जो है कल हम लोग 28 तक पूरा पढ़ लिए थे है ना, तो हम देखिए 29 में क्या बोलती है टीका काल 29 नंबर श्लोक के लिए उपोत्थान दी गई है। लौकिकानां परीक्षकानां च कतिपय कल्पना भेदान उदाहरित अनंतत्वात् अशेषतः तेषां उदाहर्तुम् अशक्तत्वं दृष्ट्वा संक्षेप मात्रम् आचष्ये। एक ही मात्रा के ऊपर कतिपय से लेकर के अशक्तत्वं एक ही मात्रा को बनेगा आप कहाँ छोड़ेंगे कहाँ लौकिकानां परीक्षकानां च जो सामान्य लोग बुद्धि वाले परीक्षा मतलब दार्शनिक लोग परीक्षा करके जिसको निर्णय करते हैं परीक्षा करके जिसको निर्णय करने के लिए परीक्षकानां जो लोग बोलते हैं उसको मान के चलते लौकिकानां इन दोनों का कतिपय कल्पना भेदान अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कल्पनाओं की विशेषताओं को कुछ सबका नहीं कुछ लोगों की कल्पना की विशेषताओं को भेदान उदाहरित्य यहाँ पे जो उदाहरण के रूप में दिया हुआ है उदाहरित्य फिर क्या किया अनंतत्वा इसको कितना भी कहते जाए तो समस्त समाप्त होने वाला नहीं है। अलग अलग वादियों के अलग अलग इसलिए हमें एक शब्द बोल दिया था भाई कि जो जैसा जिसको आ रहा है उस सबको सत्य मान लिया जाए है ना। ये यहाँ पे एक बात यहाँ से भी बोला था अरे हम गलत नहीं कर रहे हो जो दिखाई पड़े हम सबको सत्य मान लो। इसलिए वो जो अनंतत्वा अशेषतेषां उदाहर्तुम् अशक्ततम सबको यहाँ पे उदाहरण के रूप में देना तो संभव नहीं है। इसलिए देख करके अशक्ततम दृष्ट्वा ऐसा समझ करके संक्षेप मात्र आदर्श संक्षेप में कुछ वादियों के सिद्धांत यहाँ पे ग्रंथकार ने कह दिया। अब देखिए कैसे हुआ इसको मनमूल में आ जाइए। यम भावं दर्शयेद् यस्य यम भावं दर्शयेद् यस्य तं भावं स तु पश्यति तं भावं स तु पश्यति तं चावेति स भूत्वासौ तं चावेति स भूत्वासौ तत्क्रह समुपैतितं तत्क्रह समुपैतितं यं भावं दर्शयेद् यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावेति स भूत्वासौ तत्क्रह समुपैतितं। जिसके लिए अथवा जिसको यं भावं दर्शये जिसको जिस भाव को दिखा दिया जाता यहाँ पे भाव में गाय मिल जाए वो अपने देवताओं को अधिक मानता है ये कंटक देवता भी जिसको बोले और तुम्हारा लौकिक जो भी होता है ये सब देवता भी गुरु की मानना अधिक है क्यों परंपरा से उसको ये प्राप्त हुआ है। कल बाहर बाद में आगे कोई ऋषि मुनि यहाँ पे बैठे अथवा पहले संन्यास राय पूछते कुछ कुछ लोग अभी धीरे धीरे वेदांत समझ जाए गाँव की तरफ जाएंगे वेदांत की कैसे पढ़ाई नहीं है। तो जिसको जिस भाव को दिखाया गया है दिखाया जाता है तम भावम शतु पश्यति वो व्यक्ति उस भाव को ही देखता है वो व्यक्ति उसी को ही जानता है। गाँव वाले लोग यहाँ पे किसी भी काम जब गाँव में जाएंगे उस गाँव के जो देवता होगा अपने घर के कोई भी काम के लिए शादी ब्याह कोई असुविधा कोई परेशानी है उनको पूछेंगे देवता को उत्तर देते हैं और सब काम बनता है उससे। इसलिए जिसको जिस भाव इसके पीछे एक कारण और भी है हमारे जन्मांतर कर्म और हमारे संस्कार इस प्रकार की भावना को बना के रखना पसंद करते हैं। इससे आगे कुछ है अथवा नहीं है इसमें से जानने की इच्छा नहीं होती थोड़ा बहुत जो हमको चाहिए तो हमको मिल गया इसलिए आगे नहीं सोचते। यम भावम दर्शेद यस्य तम भाव स तम भावम तू पश्यति वो तो उसी भाव के जो यहाँ पे वगैरह बनाया हुआ उसी भाव को ही मुझे देखता है उससे इधर उधर आगे क्या है पीछे क्या है इसको देखने का इच्छा नहीं करते और उससे भी इस प्रकार देखने से लाभ भी हुआ उनको। स तम
च अवति हाँ सभूत अशुद्धम च अवति। और वो जो उसके भाव है ना, वो भाव गभरूप होकर मतलब जिस देवता को लेकर करते हैं वो भाव सभूत अशो स मतलब वो भाव अशुभूत मतलब इस प्रकार के तद्रूप उसके साथ तद्रूप होकर के तम च अवति उस व्यक्ति को रक्षा बोलने के आप इस देवता को मान रहे हैं, आप देवता को मान्यता दिया, अब उस देवता आपके भाव अथवा श्रद्धा से संतुष्ट होकर के क्या रक्षा हम कुत्ते उसको जिस आवश्यकता को पूर्ति करने से रक्षा करते हैं। न्याय वालों की रक्षा कौन करेगा, न्याय वालों की रक्षा कौन करेगा, तक होना की सर न्याय के न्याय वालों की जो न्याय वैशेषिक न्याय वैशेषिक पहले लोग जो सर्व माने होंगे उसके दर्शन में ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता उनके दर्शन में है। वो जिसको रक्षा करेगा वो सकता है जिसे मान ईश्वर को नहीं मान, ये सांख्यवादी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में ईश्वर को नहीं माना तो क्या कहता है पुरुष उनको रक्षा करेगा, पुरुष ज्ञान से मुक्ति मानता है, मीमांसा का तो देवता है, अब उनके पास देवता है, अब तो उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो जिस भाव को मतलब अपने जन्मांतरीय संस्कार से एक ही जगह पे बैठा है व्यक्ति एक ही शब्द बोलते हैं गुरु जी, परंतु अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से बोध होता है और उसके एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार से करता है, वो व्यक्ति के अपने संस्कार और कर्म के अनुसार होता है, परंतु उसको अगर पकड़ता है ठीक से तो उससे कुछ लाभ तो उसको मिलता है। तो ऐसा रहता है लेकिन हमारे वेदांतिक सिद्धांतों को देखिए सच्चाई को छुपा नहीं रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, परंतु लौकिक फल लौकिक परीक्षा का नाम चाहिए मुक्ति चाहते हो तब क्या आप पहले तो उस लक्ष्य आपका निश्चय होना चाहिए कि संसार आपको पीड़ा जैसा लगे और यहाँ से मुक्त होना है, जब ये भाव आएगा तब आप उसके रास्ता ढूंढेंगे। इसके लिए बताए तम सब मतलब वो भाव अशुभ होता उसको क्या कहते हैं तदरूप होकर के उसके साथ एक रूप होकर के सब भाव तम से अवगत किया उसको रक्षा भी करते है ना। अब क्या होता है तद ग्रह समुपेतिव है तम तद ग्रह समुपेतम मतलब उसको उसके दुराग्रह तदग्रह मतलब दुराग्रह अभिनिवेश समग्र रूप से उसको प्राप्त कर जाता है। तद ग्रह तदग्रह मतलब उस प्रकार के दुराग्रह दुराग्रह ग्रह तदग्रह अभिनिवेश मतलब यही हमको ठीक है, यही हमको हमारे सब कुछ है, वो भाव उसको क्या कर उसको समग्र रूप से आवेशित कर लेते हैं, कम मतलब उस साधक को समवेद समग्र रूप से उपयोग मान उसको भेद आवेशित कर देते हैं उसको उस भाव का उस भाव आपको किसी देवी देवताओं में होता है, लोग बोलते हैं देवता को देखा चिंतन किया यह हुआ बाकी उसी भाव के पर रहते हैं, यहाँ पर तो देवी इसका कई गाँव वालों के ऊपर देवी देवता आते हैं, देवी देवता आते हैं और उस भाव से वो जो भी कुछ लोग आते हैं उनके पास, हमारे पास यहाँ पे अपने आश्रम में विद्यार्थी था शांति प्रसाद बिरवाला भी है अभी तो छोटा में आया था 9 बरकोट के रहने वाले थे, उसको बोलते उसको कृष्ण देवता आता है कृष्ण कृष्ण तो आता है उनको। जन्माष्टमी के दिन एक बार यहाँ जन्माष्टम में थे मैं देखा उसका भाव ही अलग है, रात को 12 उठ करके जैसे वो कुछ को कुछ माना नहीं ये 2-3 छलांग लगा सीधा गंगा जी माया पूजा कर और जो है जो उसको गर्म तेल में हाथ डाल देते हैं और कोई सीख लाया तो उसको गर्म घीमा से चाहता है कुछ भी नॉर्मल है कुछ नहीं, लोग आगे कुछ बोल देते हैं कि हमारा ये परेशानी है तो उसका हो जाता है घर वाले परेशान हो गए, तब जाके यहाँ पे भेजा था कि हम लोग क्या करें यहाँ पे एक ही बार हमने देखा था बंद होता है ऐसा होता है। अभी अच्छा तो व्हाट्सएप में भी आपको देखने को मिलता है बच्चा एकदम सोने की रथ समुद्र सुना है सोने की रथ सोने का नहीं गोल्डन कलर का है, गोल्डन कलर है वो जापान या कहीं से वो मतलब उसको मानना देखिए देवी देवताओं को मंदिर
आग्रह मतलब उसकी इस प्रकार की आग्रह वो जानते हैं ना, तम संवेदी उस व्यक्ति को सम्यक रूप से आविष्कृत कर लेता है, उसको भक्त तन्मंत्री को शास करना होगा तो वो सम्यक रूप से आविष्ट गृहाविष्ट जैसे हो जाता है ना, वो भावाविष्ट हो जाता है, भावाविष्ट हो उसको भावाविष्ट होकर उसको घेर लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, एक नंबर तम च अवधि स भूत अशो मूल में है ना, मूल में बोलते हैं अवधि अवरक्षण धर्म कथन चित्र स तम अवधि मुख बद ही है, स तम अवधि स मतलब स भाव तम मतलब तम साधकम अवधि रक्षा करते हैं, किस रूप में रक्षा करते हैं, अशो भूत उस भाव को रूप से उस भाव तद्रूप होकर तद्रूप होकर मतलब उस साधक को जिस प्रकार की आवश्यकता है तद अनुकूल भाव उसको अंदर लेकर के उसको उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए अवधि अस्मिन अभिनिविष्टम कृत्वा अनंत प्रवृत्ति उपरमयती, देखिए अस्य इसका सस्मिन अभिनिविष्टम कृत्वा वो भाव उसको उसके अंदर दुराग्रह उत्पन्न कर अभिनिवेश उत्पन्न करके दूसरा किसी वस्तु को जानने में रोक देता है ना, तम च अवधि ये देखिए क्या लिखे थे अवधि मतलब रक्षा क्या करते हैं, जिस प्रकार देख लीजिए हमारे यहाँ पे बोल हम लोगों को वेदांत पठन पठन अच्छे ठीक है ना, अब इस वेदांत की ये भाव यदि हम इसको ठीक से पकड़ेंगे हमें क्या होगा तब अन्य वस्तु को जानना दूसरे वस्तु के प्रति हमको रक्षा करेगा वो जान देगा यही रक्षा होगा, ये क्या करते हैं हमको अन्य वस्तु की जानने का इच्छा अन्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा मन से कुछ बोलो यही रक्षा होगा वो भाव हमारा वो भाव हम अपने में लगा लीजिए इसको इसी प्रकार देवी देवता जो घर दे उसका भी असर होता है उसका भी असर होता है। स्वस्मिन अभिनिविष्टम इसका जो अपने में अभिनिविष्ट मतलब अभिनिवेश बोलता है अभिनिवेश अभिनिविष्टम कृत्वा उसको अभिनिवेश दुराग्रह बना करके अनंत प्रवृत्ति दूसरा किसी वस्तु में प्रवृत्ति करने में रोकते हैं, दूसरा किसी वस्तु में प्रवृत्ति करने में रोकते हैं। अब यह भी समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो जब वेदांत पठन पठन करते हैं किसी को निषेध नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा निष्ठा क्या रहता है केवल पठन पाठन में रहता है, परंतु क्या होता है हमें बाहर ही किसी और कोई आराधना उपासना के प्रति मन नहीं लगता और कोई देव देव मैं तो मुश्किल से कितना बार विश्वनाथ मंदिर गया हूँ भगवान जानते हैं ये नहीं होता यहाँ पे आकर के बस एक यहाँ जाऊँगा मुझ देवी देवता को प्रणाम करके तो वहाँ जा करके दर्शन करने के लिए ये कोई अधिक मान्य नहीं संस्कार है ऐसे मैं बोला यहाँ पे आने के बाद 6 साल बाद में बंद होती है और वही क्या होता है कोई लोग आते हैं हमारा सारा चंद हम जहाँ को चल रहे थे उस पर बोलते हैं तब जा करके कि ये बिल्कुल अच्छा लिखा अस्सर स्वस्मिन अभिनिवेश नाम इसका अपने में जो अभिनिवेश है उसको जितना अपने में अभिनिवेश क्या करते हैं वो जिस भाव को अपने पकड़ उस भाव के अंदर भी तो वही एक ही चिकन विद्यमान है वो क्या करते हैं इस भाव को बिल्कुल उसके मन में अभिनिवेश करके अनंत प्रवृत्ति रूप में दूसरी जगह में प्रवृत्ति करने उसको उसको अंदर से उसको कौन वो उसका वो भाव जिस भाव आपको हमने दिया मतलब आपने गुरु से प्राप्त किया किसी से सुना कहीं भी यहाँ पे भी गांव वाले के लोग हैं जिसको जो देवी जिस देवी देवता को मानते हैं उसी को उन्हीं को पास जाके पूछो हर एक गांव का अलग अलग देवता भी है यदि एक ही होता तो अलग अलग क्यों होता इसलिए आप बोलते हैं कि इस प्रकार के मतलब उसको रक्षा करने के लिए फिर बोलते हैं स भूत अशो मतलब उस तद्रूप होकर के तो बोलते हैं कि भूत मतलब साधक तादात्म आपन्न होता साधक के मन के साथ एक रूप होकर के साधक तादात्म्य आपन्न होता साधक के साथ एक रूप होकर के प्राप्त करके उसको रक्षा करता तद्रूप होकर साधक का जो भाव है जिस देवता को बड़ी अच्छी बस वो उसी भावना को लेकर के इसी को भगवान कल मैं बोला था इसको भगवान जी तभी भगवान श्री कृष्ण बोला और खेद उत्पन्न करता एक ही जगह पे यहाँ पे ये इंद्र देवता है आपको देवता रूप देखें वही जगह पे उसी के अंदर सच्चिदानंद स्वयं विद्यमान परंतु थोड़ा सा गहरा दृष्टि नहीं डालते हैं तो उतना इंद्र देवता से जितना मतलब फल प्राप्त करना था उतना फल प्राप्त करके उसको उठा करता है उसी तरह के ईश्वर का चिंतन करके उसके क्या होता कि वो मृत्यु तक पहुँच सकता ये जगह कभी नहीं जाता है इसलिए आप देखिए 2 नंबर भी हो गए हाँ आभास सुन यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं पाद त्रयम विभजते
पाद त्रयवर्तन है, यम भावम दर्शयेत यस्य, पहला पद हो गया तम भावम स तु पश्यति, उसको देखता है। तीसरा पद हो गया तम च अवधि स भूत्व अशु, स अशु भूत्व तम च अवधि, ये तीन पद के अक्षर अर्थ को एक साथ में आ रहा है भगवान भास्कर जी। पाद त्रय विभजते, तीन पद को विभाजन करके दिखाते हैं, तीन बहुना और अधिक क्या कहे कि आप अधिक क्या कहे, जितना हम कहें देख इतने से आपको समझ जाना चाहिए। इनके बोलते हैं प्राणादीनाम अन्नतम उक्तम अनुक्तम वा, ये जो प्राण से लेकर स्थिति अंत जो कहा जो नहीं कहा गया सब कुछ है। प्राणादीनाम प्राण आदियों का अन्नतम मतलब इनमें से किसी एक, अन्नतम मतलब इनमें से किसी एक, हाँ अन्नतम उक्तम अनुक्तम वा अथवा जिसको हमने कहा जिसको नहीं कहा इनमें से किसी एक को जम भावंति, जो जिस भाव को मतलब भाव मतलब पदार्थम दर्श, ये देखो यही वस्तु है, ये देखो यही सही है, अथवा ये देखो यही सब कुछ है, ऐसा करके जिसको जो भाव दिखा दिया कह दिया दिखाई दिया था उसको वही भाव उसको। इस पे इस कोई हमारा कोई उसके पहले थे ना पूछा नहीं भगवान रजनीश कई कई भाव कभी में भी कई भी ऐसा जो है उनको जो भाव दिखा दिया उसको लेकर के जो है वो सही हो चाहे नहीं हो उतना विचार नहीं करते लोग, थोड़ा बहुत उनको तत्कालिक लाभ मिलता है उसमें फंस छोटे उसमें कुछ अच्छा भी है तो अच्छा होता है, मतलब अपना लौकिक लाभ हो रहा है पारमार्थिक लाभ तो एक मंत्र विधान के लिए आना संभव। किम बहुना प्राणादीनाम अन्नतम उक्तम अनुक्तम वा, मतलब जिसका कहा गया है अथवा जो नहीं कहा गया। तो अफ्रीका में भी हफ्सी में भी अलग अलग कोई देवी देवता है, ब्राजील में कोई अलग देवी देवता है, क्या क्योंकि हमारा तो आत्मा एक ही है सर, जो जिस प्रकार संस्कार वाला हुआ जिसको जो अच्छा लगता था उन्होंने पूजा कर वो करके। तो जापान से एक मंदिर जो यहाँ पे बह करके आया हुआ है वहाँ भी वो लोग उसके लिए देवताओं को मानते हैं, उसके लिए मंदिर बनाया हुआ उसको भाव दिखाया गया है तो उसी को मने उसको, इसलिए ये होता है जब भाव पदार्थम दर्शय जिसको दिखाया जाता है जस आचार्य जो अन्नवा कोई आचार्य होकर के दिखा दिया तो कोई आप तो पूछ सकता कोई सामान्य पुरुष को पर हमारा विश्वास है हमने कहा मान ली, इसलिए बोलते हैं आचार्य जो अन्नवा आप तो मतलब कोई आप तो पुरुष यानी क्या कहता है एकदम एक तत्व क्या कहते हैं उनको यही पारमार्थिक तत्व तो यही यथार्थ है ऐसा करते हैं इसको पकड़ो तो तुम्हारा काम बन जाए। हमारे यहाँ पे आता है अंध गोलांगुल न्याय, अंध गोलांगुल न्याय, एक व्यक्ति रास्ते के उस पार जाना चाहते हैं बेचारा अंधा है तो किसी दुष्ट व्यक्ति का संग हो गया उनका मतलब यथार्थ तो नहीं था उसको बोला भैया बच्चा मेरे को थोड़ा रास्ते को उस पार ले चलो तो मैं इस मंदिर जाना चाहूँ तो मेरे को थोड़ा ले चलो बोला हाँ हाँ ठहर ठहर मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाऊँगा। एक सांड और गाय को कहीं से पकड़ के लाते और बोलते इसका पूछ को पकड़वा दिया बोलते बस ये हाथ इसको पकड़ो ये तुमको ले जाएगा और फिर गाय को पीटते हैं और उसको ने कहा उसको जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं और वो दौड़ता है तो बेचारा गिरता है चोट खाता है। अंध बोला मुझने अंध व्यक्ति को अपने लक्ष्य में पहुँचने के लिए जैसा उनको उठा कर अरे ब्रह्मसूत्र में आई जम भाव श्वेत ब्रह्मसूत्र में आए मैं अपने मन से कथा बना के नहीं बोला बोला इसे बोलते हैं इदम एव तत्त्वमिति वास यही तत्व है यही सच्चाई है इति स तम भावम वो व्यक्ति वो साधक वो मोक्ष अथवा अपना जो लोग की पुस्तक प्राप्त करना है तम भावम उस भाव को हाँ यही तत्व इस भाव को आत्मभूतम पश्यति हाँ ये सही बोला ये सही बोला अपना लोग अपना कह तो मान लेता है पश्यति अयम अहमिति कैसा ये मैं हूँ इतिबा मम इतिबा अथवा ये मेरा है इस प्रकार से मतलब ये मेरा है ये मेरे को लक्ष्य में पहुँचा देगा क्या हुआ आप अंध बोला गुलने में पकड़ा तो व्यक्ति ने कह दिया उसके ऊपर विश्वास है बेचारा देख नहीं पाता हाँ ये मेरे को अपने लक्ष्य तक पहुँचा देगा तो अपनी कमी तो रहा उसमें जब वो दौड़ता है बेचारा गिरते हैं तो उस भाव को पकड़ के रखते हैं जिस लक्ष्य सभी व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है चाहे कुछ भी कहे हम आपसे पूछते हैं इस व्यक्ति को तुम क्या चाहते हो वो पहले क्या बोलेगा महाराज मेरे घर में ये परेशानी है घर में भी परेशानी है लड़की की शादी लड़का का नौकरी पता नहीं है वो अगर ठीक
तो ऐसा एक के बाद एक वो तीन अंकों से आपको कुछ ठीक है आपका दोनों काम हो जाएगा। इससे क्या दान मिलेगा? सुख मिलेगा। अच्छा क्या यही सुख तुम प्राप्त करना चाहते हो? फिर अगर कुछ नहीं चाहोगे ना, हमेशा देखना कि लोग यही बोलेगा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही डिमांड है क्या, मैं हमेशा आनंद में रहूँ। प्रत्येक व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है मेरे पास कोई दुख आए, कोई व्यक्ति नहीं, केवल मतलब मनुष्य नहीं, कोई भी 84 लाख दुनिया में कोई भी जीव नहीं चाहता है कि मैं दुख में रहूं, कोई भी। अच्छा आप फिर भी देखिए, सुख ऐसा सुख चाहते हैं कि मैं अपना पसंद की वस्तु आपने मेरे को दिया, मेरे को खुश हो, जैसे ही मैं दूसरे के पास देखूंगा इससे अच्छा वस्तु है तेरा मन डरे उसकी पसंद से अच्छा। 2 मिनट के लिए मन शांत होने पर तुरंत मन में साइकोलॉजिकली ये चीज, यानी कि हम आनंद ढूंढ रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी आनंद हो जाए। सभी व्यक्ति वेदांत नहीं पढ़ा उसने, हम आप बताइए कि आनंद की कथा तो सोच नहीं समझ। और जब तक आप कोई नित्य वस्तु को अवलंबन नहीं करेंगे तब तक नित्य आनंद आपको कैसे मिल सकता है? आप हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा एक ऐसा वस्तु को जो हमेशा एक रूप है। फंडामेंटल लॉजिक इसमें कोई ये नहीं है, आप पीछे आप खुद देखो, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा वस्तु पकड़ना पड़ेगा जो हमेशा रहता है एक रूप में। एकमात्र ईश्वर भिन्न दूसरा कोई नहीं, देवी देवता भी ऐसे परिवर्तन कर देवता भी टीके चलते हैं। इसलिए ये सभी व्यक्ति आनंद को ढूंढ रहे हैं, अनित्य आनंद को ढूंढ रहे हैं, निरतिशय आनंद को ढूंढ रहे हैं, परंतु अंतिष्ठा का पूर्व के तो प्रारब्ध बोलती जो कहते नहीं होने का जंगल का बन जाए। अनेक जन्म के पूर्ण संचय हो गए फिर कथा को मार्च करते दर्शक मिल जाते हैं तो मुक्त हो जाए। इसी नाते बोलते हैं कि यस आचार्य अन्नो वा आप्त इदम तत्त्वम इति, यही तत्व है। इस प्रकार से वो व्यक्ति बोलते हैं, फिर क्या होता है, स तम भावम, वो उस देवी देवता संबंधित जो भी उसका आचार्य ऋषि का उस भाव को आत्मभूतम पश्यति, हाँ यही मेरे लिए अनुकूल होगा, इस प्रकार से देखता है। अयम अहम, अरे ही मैं हूँ, इति वा मम, अथवा ये मेरे लिए लाभदायक होगा, इस प्रकार से तम च दृष्टारम, और उस देखने वाले को सभाव, देखिए कम कहाँ पे था तृतीय पाद में ये कम, इस प्रकार देखने वाले समझने वाले साधक को देखते सभाव, जिस भाव को उसने मन से ग्रहण किया वो भाव अवति मतलब रक्षा करते हैं। जह दर्शित भाव अशुभ होता है, जिस भाव को दिखाया उस भाव को अनुरूप होकर के तद्रूप होकर के वो इस व्यक्ति को रक्षा करते हैं, उस व्यक्ति को रक्षा करते अशुभ अशोकूत्वा, ये व्यक्ति उस प्रकार होकर के तम अवैध तम उसको रक्षा करते, साधक को रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए वो अन्वय करने के लिए तम च दृष्टारम तम शब्द करते हुए इस प्रकार देखने वाले व्यक्ति को स समर्थक हो गया, वो भाव गुरु जी ने अथवा कोई व्यक्ति ने जो दिखाया उस भाव को उसको रक्षा करते अवैध को रक्षा करते हैं। कैसे किस रूप में, जो दर्शित भाव जिस भाव को दिखाया गया है उस भाव अशोकूत्ता वो उसको धारण करके रक्षति दृष्टारम रक्षति दृष्ट देखने वाले को रक्षा करते हैं। स्वेन आत्मना सर्वत निरुनद्धि, क्या करते हैं अपने स्वरूप के द्वारा उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसका भाव उसके प्रति ऐसा हो जाता है कि वो उससे अभर नहीं आना चाहते। ये बोलता है स्वेन आत्मना अपने स्वरूप के साथ एक होकर के सर्वत निरुनद्धि चारों तरफ से अंदर कोई चिंता दुष्ट के भाव लाने में नहीं देते हैं। हम लोगों के पास तो हम कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी ऐसा भी है नहीं उधर नहीं जाना नहीं इधर नहीं जाना इसको नहीं बात करना, ये सब ही होते हैं। फल क्या होता है कि वो उसी को ठीक मान करके आगे क्या होगा नहीं जानते हैं। आध्यात्मिक मधु से सुना जाए भगवत दर्शन करा देंगे आपको, तो भगवत दर्शन करा देंगे भगवत दर्शन को करा देंगे तो उसी वहाँ पर रखा, फिर जा करके कमरे में लाया ला करके भगवान उसका नाम काट दिया। अब जब नाम काट दिया तो चलिए वो दर्शन हुआ कि नहीं, और थोड़ा काटना पड़ेगा तो क्या बोलेगा बेटा, हाँ हो गया हो गया, बाहर किसको नहीं बोलो, अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति होती है, आप क्या बिल्कुल नहीं होते ऐसी बात नहीं है, आप
की थोड़ा का गुस्सा करने से छोटा मोटा सिंह मिल जाता है, उससे आपका काम चलाने के लायक पैमल शुरू हो जाता है, एक जो खतरा हो जाता है। तस्वीर मिलती बोल देखिए, तस्वीर मिलती तीन पाँच तक ही अर्थ हो गया, तम च अवधि स भूत का अशुभ ये माता मंदिर उसको रक्षा करते हैं, पिता जी को खोल करके तो लास्ट तब ग्रह समुपैतम वो व्यक्ति को आपको ग्रह मतलब भूताभिष्ट होकर के वो संभव रूप से उस व्यक्ति को घेर लेता है, उसको बोलते हैं तद्ग्रह शब्द का अर्थ है तस्मिन ग्रह तद्ग्रह मतलब तद अभिनिवेश वहाँ के दुराग्रह हो जाता है। इदम एव तत्व वास्तवी तत्व कुछ लाभ मिला होगा उनको, लोग एक कुछ लाभ मिला होगा उसके मन में भर जाता है, नहीं यही सच्चाई है ये ठीक हो ऐसी हो। इसके मुख्य रूप से क्या काम करते हैं कि आदमी जो श्रद्धा है उसी को लेकर के काम चला, अब वो अब वस्तु नहीं है व्यक्ति उसको श्रद्धा ही काम करता है, तम भाव विष्णु
सर कथम दृष्टारो रक्षति, इस प्रकार देखने वाले को वो भाव कैसे रक्षा करता है। स्वभाव कथम दृष्टारो, इस प्रकार साधक को अथवा देखने कथम रक्षति कैसे रक्षा करता है। यदि अपेक्षायाम ऐसा जिज्ञासा होने पर आरोप होता है अशोभूत रक्षति को तद्रूप होकर के उसके साथ एक होकर के उसको रक्षा करते हैं, है ना। तद्रूप होकर के सर कथम दृष्टारो रक्षति यदि अपेक्षायाम असौ तो अशोभूत रक्षति उसको उसको धारण करके उसको रक्षा करते हैं। इसी को समझा रहे साधक पुरुष तादात्म्यम आपत्ति, साधक पुरुष के साथ एक रूप हो जाते हैं, वही मेरे लिए रक्षक है, वही मेरा स्वरूप है, पता भावना मैं करता हूँ तो हमारे साधु मन में निर्रूप अंतर हो जाएगा। जो देखिए भगवद गीता में भगवान से ध्यायते विषयान पुरुष संग्रह शुरू हो जाए, पहले यही हमने बोला आपको ये वस्तु सबसे अच्छा है, आप जैसे हमारे बात के ऊपर विश्वास है आपने ये अच्छा है, तब आप क्या करेंगे उसका जो है शोभना बुद्धि हो जाती है, और शोभना बुद्धि के द्वारा हम उसको चिंतन करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं कि ये ठीक नहीं है, अभी तो हमारा शोभना बुद्धि भी हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। ध्यायते विषयान पुरुष संगात शुभ है, ये उसको बड़ा क्योंकि आपको जिसने कहा फर्क क्या होता आगे जो होना है वो बोला भी मान लें, इसलिए केवल मात्र ये कोई भूख वस्तु के लिए नहीं विषय के लिए भी लागू होगा। जिस वस्तु को हमने दिखाया यदि वो दर्शन तो नहीं है परंतु तो आपने मन से मान लिया उसको, फिर वो आपको धीरे 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 आविष्ट करता रहेगा, धीरे धीरे आविष्ट करता रहेगा। तो दर्शी का भाव रक्षति, अच्छा रक्षति कैसे बोलते हैं, साधक पुरुष तादात्म्यम आपत्ति, साधक पुरुष के साथ एक रूप हो जाते हैं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए बोलते हैं रक्षण प्रकार प्रकट यदि, रक्षा करने के प्रकार को स्पष्ट करके कहते हैं क्या बोलते हैं, स्वेन आत्मना सर्वतः निरुद्धि, स्वेन आत्मना सर्वतः मतलब उसके साथ एक रूप हो करके उसको बाहरी किसी वस्तु को संबंधित चिंता से रोक देता है। बाजार में नया वस्तु आया देख के आया मन में मनमोहित घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, अंदर कोई वस्तु देखने की उम्मीद नहीं है, आप बोलेंगे नहीं नहीं महाराज वहाँ पे एक भी आश्चर्य मेरे मन में नहीं ठीक नहीं होगा, हमने तो देखा अपने से देखा चला करे ये वो ठीक है, ये रक्षण की प्रकार रक्षण प्रकार प्रगति स्वेन आत्मना सर्वत स्वेन आत्मना सर्वत निरुणती। हम यही बोल रहे हैं कि वेदांत में प्रवेश करने से पहले देखिए मान लो को कह कर हमको स्वयं अपना बोल रहे परीक्षा करके बाजार से, जैसे आपको मिट्टी का घर खरीदना हो तो आपने थूक पीट करके बजा करके चाहे पैर से हाथ से बजा करके वो देख लीजिए। हम यही बोलते हैं देखने के बाद आपको विश्वास हो तब आप खरीदते हैं। इसी प्रकार से किसी भाव को अथवा किस मान को मैं अपनाऊंगा उससे पहले थोड़ा विचार दृष्टि को बोल रहे ये बुरा नहीं है, मतलब एक को पकड़ेंगे आप एक को पकड़ के आप चलना पड़ेगा आपको, परंतु पकड़ने से पहले हमारे विचार दृष्टि थोड़ा बुरा आपको प्रतिबंधित रहता है तो क्या होता है कि हम ठीक मार्ग में नहीं पहुँच पाते। तो स्वेन आत्मना सर्वत निरुद्धि अपने विचार के द्वारा हर प्रकार की अलग जो स्वतंत्र दृष्टि उससे उसको रोक देते हैं। तो देखिए हम बोलते हैं साक्षात असाधारण रूपत्वेन, है ना, साक्षात असाधारण रूपत्वेन तत्रैव निष्ठां आपद्य ततो अनर्थ प्रवृत्ति उपासकस्य निवारयति। तो क्या कितना स्पष्ट नहीं दिया क्या होगा क्या है यहाँ साक्षात असाधारण रूपत्वेन, चार नंबर टिप्पणी में होता है देखिए जो तीन नंबर टिप्पणियाँ पढ़ लेते हैं। तो साक्षात मतलब साधक निष्ठाया अन्य निष्ठा अन अधीनतम उत्तम, साक्षात मतलब आपके अंदर जो निष्ठा आ गया ना उसने की निष्ठा के साथ व्यागत नहीं कर पाए। साधक निष्ठाया साधक निष्ठा का अन्य निष्ठा अनधीनतम उत्तम, आप किसी को बोल रहे हैं और मैं किसी को बोल रहा हूँ, आपके निष्ठा हमारे निष्ठा को टाल नहीं सकता, आप मेरा निष्ठा आपको निष्ठा टाल नहीं सकता, ये हो गया साक्षात। मैं जब हमने अपना संप्रद जन्मांतरी कर्म तो प्रगत अवसर जिस व्यक्ति के पास पहुंचा उनके पास जाकर के हमको कुछ कहेगा कि जो है हमको कुछ ऐसा मिल जाता है, एक तो हमारा काम बन गया तो हमको पूरा निश्चय हो जाता है, ये ठीक है ये जो हमारा निष्ठा आगे कोई आगे कहते हैं भाई इतना ही मतलब जीवन की लक्ष्य नहीं आगे और भी कुछ है भाई वो विश्वास नहीं, इसलिए बोलते हैं ये साक्षात हो गया ये साधक निष्ठा या अन्य निष्ठा अनुभव उत्तम।
फिर असाधारण रूप निष्ठांतर अभाव में असाधारण रूप मतलब विशेष को असाधारण नहीं है, विशेष रूप में आपको वो ग्रह तद्ग्रह मतलब वो आपको अभिनिवेश करें मन को घेर देता है। निष्ठांतर अभाव आहो असाधारण रूप और तत्व मतलब तत्व स्पष्टीकरण आहो तस् मतलब उस साधक का उस साधक के मन में कृष्णा ने बोलते तत्व मतलब तस्व उस भाग का ही जो बोल रहे हैं आप कैसे कहते हैं उसको स्पष्टीकरण तत्व निष्ठा पद मतलब उस साधक के मन में एक दृढ़ निष्ठा लग रहा है। निष्ठा मतलब निश्चय स्थित साधक जो मन है निश्चित कर कोई बैठा को निष्ठा आपद्य अन्यत्र उससे भिन्न स्थान पे प्रवृत्ति उपासक से निवार उस दूसरे स्थान में उपासक का जो प्रवृत्ति होता है ना उसको ये इसलिए भी इसको ईश्वर कृपा के जन्मांतरी का सब अपेक्षा करते हैं। ये सब अपेक्षा करते कि एक बार में आ करके कोई सही से या ब्रह्मांड दर्शन मिल जाए तो भाग्य की बात है। साक्षात असाधारण रूप तेरा तत्व निष्ठम आपद ततो अन्यत्र प्रवृत्ति उपासक से निवारण उससे भिन्न स्थान उपासक की प्रवृत्ति को निवारण कर देता है। यहाँ तक हो गया तब च अवैध सबुद्ध असुद्धि पाद का अर्थ हो गया। अब चतुर्थ पाद केवल बचा हुआ है तब ग्रह समुपेत सब उसका बुरा ग्रह पवित्रता ग्रह तब उस साधक को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर बुरा ग्रह सब किसी भी देश पे कर देखिए खास कर कितना बार बोलते हैं कि हाँ तू जन्म में कुछ नहीं जन्म कितना बार हमने सुना जिसको लोग दस्य में अभिनिवेश प्लेस पर हमारे मन से गया के इस भाव को हार मैं मर जाऊँगा वो भाव बैठा ही हुआ और इस मर जाऊँगा इस भाव को रक्षा करने के लिए क्या करते हैं अंधविश्वास को रक्षा के लिए सब व्यवस्था करते हैं सब व्यवस्था करते हैं। इतना सुनने के बाद भी लोग ईश्वर की भाषा पर छोड़ गए चतुर्थ पाद व्याख्या करते करते हैं तस्मिन् ग्रह तद्ग्रह ठीक है ना तस्मिन् ग्रह तद्ग्रह मतलब तद् अभिनिवेश उसमें उसमें जो है अभिनिवेश उसको जुड़ा ग्रह है उसमें जब क्या अभिनिवेश है इदमेव तत्व बस यही पारमार्थी जो दिन आप जो है यदि हम स्वयं शास्त्र नहीं जानते हैं तो शास्त्र के आधार पर क्या निर्णय हुआ वो मतलब समझ कर तब जाके निर्णय करना चाहिए। इदम एवं तत्व यदि उसको बोलते हैं तस्मिन् सत्वं ग्रहितारं वो भाव अथवा वो दुराग्रह उस भाव को ग्रहण करने वाले को सब वो दुराग्रह तम ग्रहितार उस भाव को ग्रहण करने वाले को उपेति मतलब प्राप्त कर लेता है तस्व आत्मभाव निगत उसके साथ एक हो जाता है उसके मन एक हो जाता है। एतेन मतलब एक अनंत प्रवृत्ति निरोधी उत्तम है ना इससे क्या दिखाया गया कि अनंत प्रवृत्ति का निरोध करते हैं एक ही इस प्रकार से मतलब ये क्या बोलना है अजान पात को समझने के लिए कि अनेक जन्मों की स्वीकृति चाहिए क्योंकि हमने मन में तो भावात्मक वस्तु की भाव इतना दृढ़ रूप में बैठा रखा कि उससे निकाला उससे निकालना बहुत मुश्किल है। और जिसको जिस भाव को दिखा दिया गया कोई देवी देवता कोई ईश्वर में कोई जो है अपने उन्होंने दत्तक हम पूर्ण रूप से निकल नहीं पा जाता तब दिशा विवेक चुरामने भी भगवान भाष्यकार बोलते हैं और आपने लोक दर्शन में भी देखा कि आप अभ्यास मतलब संप्रज्ञा तो समाधि से अभ्यास करते हैं उससे आप जब आप असंप्रज्ञा तो समाधि अथवा जो आपको निर्विकल्प समाधि उसके लिए आपका क्या है सहारा सबसे बड़ा वैराग्य परावैराग्य निर्विकल्प समाधि के लिए परावैराग्य के बिना यहाँ भी देखिए लोक दर्शन में भी यही भगवान भाष्यकार विवेक चुरामन में यही बोला यदि आपके पास मुमुक्षुत्व भी है सत्संपत्ति भी है वो आपका प्रतिनिधि मात्र है यदि वैराग्य नहीं है आवास मात्र रुका के रह जाएगा काम नहीं कर पाएगा आपको लग रहा है कि हमारे अंदर सत्संगमादि है हमारे कुछ मुक्ति की इच्छा है परंतु संसार से वैराग्य नहीं है तो आवास मात्र रुका के रह जाएगा काम नहीं करेगा विवेक चुरामन में बोल रहे योग का ध्यान भी ऐसे ही
हमको लगता है कि वो सच संपत्ति हमारा, क्योंकि पहले विवेक वैराग्य को आपके पास, हमारा संपत्ति क्या है, समदम श्रद्धा समाधान उपरदीप दीक्षा, ठीक है ना। उस समदम के प्रति हम प्रवृत्ति तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा वैराग्य नहीं, विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं, सामान्य वैराग्य मकट वैराग्य प्रसिद्धि वैराग्य नहीं, विवेक पूर्वक वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक समदम में प्रवृत्ति नहीं होगी, तितिक्षा करने का इच्छा ही नहीं होगी, तुरंत मन चाहिए कपस रखकर मन कर कुछ भी परेशानी होगा तुरंत तुरंत उसका प्रतिकार सोचते हैं। जैसे परेशानी कहाँ है, शरीर या मन है कि नहीं, और हम उसका प्रतिकार सोचते हैं तो किसको लेकर के सोचेंगे, शरीर या मन को लेकर सोचेंगे तो आत्मा कहाँ बैठे। इसीलिए यहाँ पे जो है एक धीरे धीरे वेदांत को पढ़ते पढ़ते वैराग्य की मात्रा भरना है कि नहीं भरना है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, संशय कोई प्रश्न हमारे काम के नहीं है, ठीक है प्रारब्ध में कुछ आता भी है तो तुरंत उससे वहाँ पे कुछ समय आनंद के लिए यहाँ तक लिखा, तुम जब शरीर नहीं हो तो शरीर की लज्जा निवारण की बुद्धि भी तुम्हारे मन में नहीं, गोविंद तक भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। देखिए कितना कठोर शब्द लगता है, कोपिंग तक भी तुम्हारा आसक्ति नहीं होगी तब शरीर भाव में तुम नहीं हो, उससे वेरी हायर स्टेज पर तुम्हारा लक्ष्य वो होना चाहिए। जब वो लक्ष्य को मन धीरे धीरे रखेंगे ना तब क्या होगा, एक एक समय कुछ ना कुछ पहुंच जाएंगे। बोला यहाँ पे अन्यत्र प्रवृत्ति निरोध हेतु, अन्यत्र में प्रवृत्ति का निरोध करना। अब देखिए वहाँ भी जब एक सामान्य साधक में भी अपने जिसको माना उससे अनंत प्रवृत्ति निरोध, अब हमने किसको माना, हम अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा को माना, हमें भी क्या करना पड़ेगा अनंत प्रवृत्ति का निरोध। ये सिद्धांत हर जगह पे लगता है, कोई व्यक्ति शालिग्राम को माना, शिव जी को माना, विष्णु को माना, काली को माना, नो प्रॉब्लम। अब वो क्या है अनंत प्रवृत्ति का निरोध करने के लिए, ठीक है। अब आपने आपको सब कुछ समय किसको माना, आपने किसको माना, एक तत्व हमारा स्वरूप है, यही परम तत्व है हमारे पास, परम तत्व एक, हम तो ईश्वर से उपलक्षित शुद्ध चेतन है, हमें क्या करना पड़ेगा अनंत प्रवृत्ति निरुन्नति, यदि हमारा वहाँ पे निष्ठा है हमारा अनंत प्रवृत्ति गुरु, इसी में बोला यही परम तत्व। इसलिए एक निंदा के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये वेदांतिक साधन को साधन के लिए बोल रहे हैं कि देखो उन लोगों को भी अपने अपने वस्तु अभिष्ट वस्तु देवी देवता में निष्ठा दिखाई पड़ती, उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब यदि तुम्हारी स्वीकृति से तुम्हें इसके प्रति निष्ठा आया तो तुम भी अपना प्रवृत्ति को अन्य जगह से रोको, अन्य जगह से रोको, ये हो गया सतम ग्रहण करत्मभाव निवच्छत, यहाँ उसके साथ एक रूप हो जाता है, हमारे तो बैठक तो स्वरूप भूत करके बैठा ही हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा कि अन्य जगह से हमारी प्रवृत्ति को निरोध जो जिस भाग को प्राप्त किया अथवा दिखाया गया है उससे उसका लाभ हो, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपनी प्रवृत्ति पहुंचा, जिस गुरु की शांत पुरुष के पास जा करके उसने दिखा यही परम तत्व, ठीक है ना। अब तो गांव में जाके कहते देखना देवी देवता कोई, हम भी यहाँ क्या करके जनार्दन समझे, वहाँ भी कोई एक छोटा सा पत्थर कुछ उसका कोई ऐसा टूटा मुटा रखा हुआ था, बोलते ही देवी है समझे ना, तो मंदिर बने पूजा गौर मन करते हैं। तो जिसको जो भाव दिखाया जाता है वो उस पर दिखाया जाता है, तो ये तब सारा तब पारमार्थिक तत्व होगा, तो यही पारमार्थिक तत्व तो प्राण आदि से लेकर के स्थिति अंत तक आपने बोला, और उसके बाद आपने ये भी कहा जितना नहीं कहा, इससे सभी लोग का कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो जब हमारा काम चल रहा है तो वो पारमार्थिक तत्व तो होगा, ये शंका तभी शंका होती है। तभी प्राणादीना आत्मवादेव तात्विकत्व प्राप्त, तब तो प्राण आदि से लेकर स्थिति अंत तक और जितना कहा जितना नहीं कहा सभी में तात्विकत्व मतलब पारमार्थिक तत्व आएगा। यदि यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ ये ध्यान कि कल्पितानाम अधिष्ठानों अतिरेकेण अवस्तुत्वा कल्पित वस्तु का अधिष्ठान भिन्न हो सकता ही नहीं, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान भिन्न हो सकता ही नहीं होता। जब तुमने ऐसा पूछा तब हम तुमको ये बोलते, सारा जब हम बोल रहे कल्पित है तो कल्पित अनुष्ठान कौन है,
मैं कुछ भी कल्पना करता हूँ तो कल्पना का अधिष्ठान कौन हुआ? मैं स्वयं कल्पित वस्तु मिथ्या है, मैं स्वयं तो मिथ्या नहीं हूँ। हमने तो कल्पना कुछ जगह जाके चुप बैठ करके कुछ आपने कुछ मनी मन को अच्छा मान लीजिए भगवत देव जी की आप लंबा समय तक बैठी फिर आपने मुझे नुकसान हुआ ज्यादा आपने जो कल्पना किया था स्वयं निश्चय करेंगे ये सब कुछ सही नहीं है। मन मन की कल्पना थी परंतु वो जो मैं कल्पना कर रहा था मैं वो भी था क्या? तो भी था नहीं क्या? समस्त कल्पना का अधिष्ठान भी मैं वो कल्पना थी वो कारण थी। इसलिए बोलते हैं कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तु का आत्मा पे अवस्तु क्या लिखा है वहाँ पढ़ी इसको कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तु दो नकार है कि नहीं है ना तो एक आकार की मात्रा चाहिए हाथ से किसने लिखी दिया पुराना पुस्तक में तो लिखा हुआ होगा नहीं तो आप लिख लीजिए उसको अवस्तुत्वात आपके नकार को देख करके नकार हो गया तकार आगे तक नकार को देख करके कल्पित वस्तु सत्य नहीं है कल्पित वस्तु का अधिष्ठान सत्य कल्पित वस्तु का अधिष्ठान सत्य इसलिए बोलते हैं कल्पित इसलिए हमारे यहाँ पे जब बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म है ना जो भी कुछ दिखाई दे वो ब्रह्म ही है क्यों वो ब्रह्म के ऊपर कल्पित है ये तो उपासना प्रकरण में आया है बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उसी का पर्यवेक्षण ज्ञान में होता है क्योंकि आप ऐसा उपासना करोगे तो आपके सामने एक समय सारे वस्तु ब्रह्म रूप में दिखाई देगा। ये तो उस ये किसका अध्ययन है इसी का व्याख्यान षष्ठ अध्याय षष्ठ अध्याय अब हम विचार पूर्वक निर्णय करें क्यों जिससे उत्पत्ति जिसमें स्थिति जिसमें वही वस्तु का स्वरूप बताए उस सत्तत्व को दिखा रहे हैं ठीक है ना। इसीलिए यदि आपको हद तक मन नहीं पहुँचा तीसरा अध्याय है मतलब अभी तक उपाशक्ति साधक की मन उस लेवल में नहीं आए इसलिए हमें क्या कर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है नाम रूप के अधिष्ठान ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म ही सत्य तत्व है यही विचार है वहाँ पर कोई भी कल्पित वस्तु का अधिष्ठान सत्य होता है इसलिए कल्पित आना अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तुत्व आकार का मंत्र लगाइए इसलिए नहीं हमने जितना कहा जो वस्तु आपसे किसी लाभ मिला कोई हमें हर्जा नहीं है आपको किसी वस्तु से कुछ लाभ मिला किसी देवता से लाभ मिला ठीक है तो ध्यान रखना उस सभी के पीछे ईश्वर बैठा तो ईश्वर ही आपको इस लाभ के लिए हेतु बनता है। यदि इतना भाव आ गया तो आप एक कदम आगे बढ़ गए आपको कुछ भी देवता मतलब यहाँ के देवता ये देवता भी देवता गाँव के देवता यदि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे किसी भी देवी देवता से आपको लाभ मिले उस समय यदि हमारे मन में इतना भावना आता है क्या भावना आता है ये देवी देवता के पीछे ईश्वर बैठा हुआ है ईश्वर ही हमारे कर्मों को देख करके इस देवता के माध्यम से क्योंकि उसको पूजा करता था इसके माध्यम से मेरे को फल दिया वो सत्य है। ये तो आज आज हमने देवी मनाया कुछ प्रेम खराब हो गया तो ये तो पत्थर मुक्ति है बिगड़ गया तो उसको ठीक करना पड़ता है। हमें यहाँ पे देखा शिव जी के प्रेम बदल गया पूरा हाथ मिल गया था फिर सारा बदल गया बंद हो गया शिव जी वही नहीं हमारे भाव में वही है उसे शिव जी को पूजा करते हैं क्योंकि वो तो नाम एकमात्र है इसीलिए हमें तीन चीज़ को ध्यान रखना किसी भी देवी देवताओं के ऊपर निष्ठा आना वो गलत बात नहीं है परंतु उसी जगह पे खड़े होकर के थोड़ा और गहराई में कि जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकता कि चेतन अधिष्ठान है बस तब क्या है वही भी आपका ईश्वर दर्शन हो जाएगा एक कदम आगे चले जाएंगे मन ईश्वर में रहने लग जाएंगे फिर ईश्वर तक पहुँचने के बाद बाकी काम तो भगवान करेगा। अब ईश्वर देवी देवता को उसे पीछे जाना पड़ेगा इसलिए बोलता है तरे प्राणादीना आत्मवत् एव तात्त्विकत्व प्राप्तमिति आशंक कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तुत्वात् नैव मिति इसलिए कल्पित वस्तु का अधिष्ठान सत्य होता है वो कल्पित वस्तु नाम रूप आरोपिक सत्य नहीं है। इसी को देखिए एक शब्द छांद्य कुशवाचारम मनम विकारणाम देयम नित्य कल्पेव सत्य ये वेदांतिक श्रमकर है उसमें पारमार्थिकता नहीं है परंतु
उसका मूल उपादान का मूल हो सकता है। मृत्यु का भी कोई अभिप्राय नहीं है, पुण्य का भी मूल न जानता है अधिष्ठान पृथक भाव पृथक भाव पृथगेवेति लक्षितः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् स विशङ्कितः कल्पयेत् स विशङ्कितः एतैरेष पृथक् भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् स विशङ्कितः एतैः पृथक् भावैः, ठीक है ना, पृथक् एव इति लक्षितः एष अधिष्ठान एष आत्मा पृथक भावे इस अलग अलग नाम रूपों के द्वारा पृथक एवं इति लक्षित हो, पृथक है जैसे लक्षित होता है। ये जिसने समझ गया, ये जिसने समझ गया, ठीक है ना, जब एवं जब वेद तत्ते वन हु अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, लेकिन मैं तो सुपर इम्पोज एवरीथिंग नो प्रॉब्लम, तो एवं जो वेद तत्ते ना कल्पये सो अविशंकित हो, कोई शंका नहीं करते, कल्पना करके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जानता है कि सारा कल्पना का अधिष्ठान में ही हूँ, कल्पना किया था कुछ काम के लिए, काम बन गया ठीक है, उसमें कुछ होगा तो दस अंदर बोले हैं पृथक अपृथक भावे, आप ये अपृथक भाव मतलब क्या बोलते हैं, उस अधिष्ठान के साथ अभिन्न होकर ही दिखाई पड़ता है। एते अपृथक भावे इस अधिष्ठान के सारा जो नाम रूप है इसके साथ अभिन्न होकर के दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ऐश 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 मतलब ये अधिष्ठान अपृथक भावे मतलब इसके साथ अभिन्न होकर के दिखाई पड़ता है। ये देखिए इसमें भी सच्चिदानंद है, इसमें भी सच्चिदानंद, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो ये अलग अलग नाम रूप के साथ अभिन्न होकर के वो सच्चिदानंद दिखाई पड़ता है। ये निश्चय इसका हो गया, ये निश्चय निश्चय हो गया, कल्पना करे उसको क्या करना है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अपृथक भावे पृथक एवं लक्षित हो है अपृथक, परंतु नाम रूप के कारण क्या हो गया वो पृथक है जैसा दिखाई एवं जब वेद तत्त्वेन जो इस चीज को समझ गया कल्पयि च अविशङ्कित, उसमें कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं, हमें निश्चय होकर के कल्पना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जानता है कल्पना का अधिष्ठान में मेरे ऊपर से कल्पना हो रहा है, कल्पित वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है, ऐसा जानता है। आज तीसरा है यत्र ज्ञानलोकाभासा प्रतिहति जगत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यशस्कृत् उपजनो दम्पति त्राशने मे यत्पादावास्यानां सुदृशमभिनय प्राप्तिरग्राहिणोरा भव भय विनदौ सर्वभावे